आपका सर मतलब समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, और आपने समझाते समझाते हंसी मजाक भी किया था। और फिर उसमें हम लोग जो कोचिंग में पहले पढ़े थे तो सर उसमें हिंदी में पढ़ाए थे, और सर आप पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाए हैं। और सर आपका मतलब बोलने का और मतलब समझाने का तरीका हमारे टीचर से अलग था। आपने मतलब इंग्लिश में पढ़ाया और हम कोचिंग में पढ़े थे, हिंदी में पढ़े थे, और आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है, और निगेटिव सेंटेंस को आपने बताया कि नॉट का प्रयोग और नो का भी प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या सबसे पहले आया है तो उसके अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, वो आपने भी इंग्लिश में भी बताया था, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने समझाया था, बहुत ही क्लियर आपका टॉपिक था। मैंने कोचिंग में भी टेंस बहुत बार पढ़ा है, वो सीरियस होकर पढ़ाते हैं, लेकिन आपका उसे कोई जवाब ही नहीं, आप बहुत फन के साथ पढ़ाते हैं और बहुत टाइम भी बचत करते हैं, बीच बीच में चुटकुले भी सुनाते हैं, इसलिए आपका बहुत पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा जो आपने पढ़ाया है अभी, तो हमारे इंग्लिश में पढ़े थे, इसके बाद हिंदी मतलब कुछ नहीं जानते, इसके बाद आप इंग्लिश में भी बताया, हिंदी में भी सही से बताया, इसके बाद परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने इंपरेटिव सेंटेंस के भी बारे में बता दिया, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसके मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का जो विल हैव और शैल हैव पढ़ा है इसके बारे में भी बताया, उसके बाद कोचिंग में केवल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते थे। हम जहाँ पढ़ते थे हिंदी पढ़ाया हमें बहुत कम समझ आता था, आप पढ़ाए बहुत बढ़िया समझ आया, और नेगेटिव वेटिव कम समझ आता था, आप पढ़ाए बहुत बढ़िया समझ आया। जो मैं कोचिंग में पढ़ा था वो हिंदी में पढ़ा था, आप जो बताया इंग्लिश में पढ़े हैं, और आपका तरीका भी और आप मजाक अच्छी करके पढ़ाते हैं, इसलिए क्लास बोरिंग में होता, अच्छे समझ भी आता है, और अपनी उसको पढ़ा तरीके से जानना होता है। और सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, इसके पहले मैंने घर पे पढ़ा था तो मैं हिंदी पढ़ा था, आप इंग्लिश भी पढ़ाएं, आपका तरीका बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत अच्छा पढ़ा है, हम इंग्लिश इंग्लिश बताए थे, और कोचिंग में जब हम लोग पढ़े थे तो हिंदी में बताए थे, आपका वो परफेक्ट वाले में बताए थे आफ्टर बिफोर वाला, वो भी अच्छा था, और मतलब कोचिंग में ये नहीं पढ़ाया गया था, आप वर्म के पांचों फॉर्म्स लिखवाए थे कोचिंग में, ये नहीं लिखवाए थे, और अफर्मेटिव सेंटेंस को कई तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे असर्टिव, सिंपल, पॉजिटिव, ये नहीं बताया गया था। सर के पुराने भाव अलग, सर समझाते थे उनका सोल नहीं आता था, फिर उन्हें समझाते हुए और सर ऐसे सोचते थे जो सर एक ही टाइप का बहुत टाइप बताए, आपका बढ़िया लगता पढ़ाते हुए, आप मजाक में पढ़ाते थे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम माय नेम इज स्वाति चतुर्वेदी, आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट सुनील सर। सुनील सर ने हमें टेंस पढ़ाया और फिर उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, हमें लगा कि मतलब सुनील सर के जैसा कोई टेंस पढ़ा ही नहीं सकता, और फिर हम मेरे कोचिंग में भी पढ़ा था कि सुनील सर के जैसा मतलब वो जैसा पढ़ाते हैं, अगर हमें मोबाइल की ज़रूरत और फिर हमें मतलब कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फिर उनके समझाएँ और उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच।